हेलो फ्रेंड, आज ये मेरा तीसरा वीडियो है 7 डेज 7 मॉक टेस्ट करके एलटी साइंस के लिए। और ये केवल एलटी साइंस के लिए नहीं, उन बच्चों के लिए भी मददगार टेस्ट होगा जो अभी नीट साइंस के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 2028 के लिए, और आईआईटी मेंस और उत्तराखंड लेक्चरर के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। उन सब के लिए ये मेरा मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, और खासकर तौर पर उन बच्चों के लिए जो अभी एलटी साइंस का पेपर नेक्स्ट कमिंग संडे को देने जा रहे हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द गिवन प्लॉट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम फॉर टू डिफरेंट रिएक्शन फर्स्ट एंड सेकंड। हियर इज द टू डिफरेंट द रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आर। इस क्वेश्चन को आपको एक एक करके करना पड़ेगा। देखिए, आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर तक मैक्सिमम आएंगे। तो आप पहले देखें जीरो ऑर्डर के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है। अब आपको पता है कि जीरो ऑर्डर के लिए हमारी इक्वेशन जो बनती है वो के टी इज इक्वल टू क्या बनता है, आर नॉट माइनस आर बनता है। अब देखिए ये ग्राफ किसके बीच खींचा गया, आर और टाइम के बीच। तो आर को आप इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू के टी इधर आएगा माइनस के टी और प्लस आर नॉट हो जाएगा। आर नॉट क्या, इनिशियल रिएक्टेंट होता है, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, ये आप वाई दिखा लो, ये क्या हो गया एम स्लोप, और ये क्या दिखा रहा है एक्स एक्सिस आपका, और ये क्या हो गया सी। तो वाई इज इक्वल टू माइनस एम होगा, स्लोप क्या आ रहा है माइनस की ओर डायरेक्शन जा रहा है। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाली एक्सिस आप क्या दिखा रही है, आर को रिप्रेजेंट कर रही है। ये एक्सिस किसको दिखा रही है, टाइम को दिखा रही है। और ये जो निगेटिव स्लोप आपका दिखा रहा है वो थीटा निगेटिव की ओर दिखा रहा है, तो यानी कि क्या हो जाएगा माइनस एम। स्लोप क्या है इसका, टेन थीटा माइनस के, टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस के हो गया। ओके, अब जब इसको देखें तो यानी कि हमारा जो ग्राफ है वो आपका कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला। ये कौन से के लिए हो गया, जीरो ऑर्डर के लिए, यानी कि सेकंड वाला हमारा जीरो ऑर्डर, यानी कि आपको मिला कि सेकंड वाला हमारा क्या जीरो ऑर्डर है। अब दूसरी ओर देखें, मान लीजिए हम फर्स्ट ऑर्डर के लेके चलें, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 बेस आर नॉट अपॉन आर। आप लोग सब लोग यही पढ़ते हैं, मगर जब इस log 10 को मैं ln बेस पे लूँ तो k इज इक्वल टू आपका कितना होगा, 2.303 हट जाएगा, क्या बचेगा केवल 1 अपॉन टी ln आर नॉट अपॉन आर। इसको आप ब्रेक करेंगे तो इस के टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, log a अपॉन बी, log a अपॉन a माइनस बी। तो ln आर नॉट माइनस ln ऑफ आर। अब आपको ग्राफ ln r के बीच खींचना है तो इसको राइट साइड ले आए, तो ln ऑफ r ये इधर जाएगा माइनस के टी प्लस ln ऑफ r नॉट। तो फिर से देखें, आपका ये y आ गया आपका एक्सिस, ये स्लोप माइनस की ओर डायरेक्शन में है, ये क्या हो गया आपका x हो गया, ये क्या हो गया आपका c। तो अब जब इसका भी ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ किसके किसके बीच बनेगा, ln r के बीच और टाइम के बीच। अब स्लोप किस में, नेगेटिव डायरेक्शन में है, ये स्लोप क्या है नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो यानी कि आपका ग्राफ किस तरीके से आएगा, ये भी नीचे की ओर इस तरीके से जाएगा। तो यानी कि ये किसके ऑर्डर के लिए हो गया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो गया। ये किसके लिए हो गया, फर्स्ट ऑर्डर। ये किसके लिए हो गया, जीरो ऑर्डर के लिए। तो आपका जो आंसर रहेगा वो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर। तो आपका आंसर क्या हो गया, सी आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। पूछ रहा है द वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल एक्टिविटी इज, EN का मतलब इथाइलिन 1.2 डायमीन होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है ऑप्टिकली एक्टिव कौन है। देखिए, ऑप्टिकली एक्टिव के लिए आपको क्या याद रखना है कि हमेशा याद रखिए कि जो ट्रांस होते हैं, जो ट्रांस आइसोमर होते हैं, सिस और ट्रांस आपने पढ़े, तो क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि उसमें क्या आ जाती है, सिमेट्री प्रेजेंट होती है, बिकॉज ऑफ सिमेट्री। उसमें क्या होती है, सिमेट्री। और जो सिस होते हैं वो ऑप्टिकली क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। अब आप यहां पे पहचान लो कि कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है। देखो, कभी भी पहचानिए आप ट्रांस को। देखो, जब दो एटम एक दूसरे के अपोजिट, सेम ग्रुप, देखिए सेम ग्रुप अपोजिट हैं, तो ये क्या हो गया आपका, ट्रांस हो गया, ठीक है ना। अब देखिए,
ए और ए एक दूसरे के अपोजिट आ गए, तो ये भी क्या हो गया आपका, ट्रांस हो गया। अब देखो en एंड en एक दूसरे के अपोजिट या a और a एक दूसरे के अपोजिट आ गए तब भी ये ट्रांस है। अब इसमें देखिए क्या a और a एक दूसरे के अपोजिट है, नहीं, b और b एक दूसरे en भी नहीं है, तो ये आपके क्या है, सिस है। तो अब हमने क्या बोला, जो सिस होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि पहले इसमें क्या डाल रखा है, ये आपका रिएक्टेंट है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या है OH, इसमें फर्स्ट क्या डाल रखा है PBr3। अब जब PBr3 PCl3 डालते हैं तो OH को रिमूव करके क्या जोड़ते हैं, हेलोजन जोड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, हेलोजन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या डाल रखा है, एल्कोहलिक KOH, KOH है एल्कोहलिक का। अब एल्कोहलिक KOH का काम क्या होता है, ये एल्कीन बनाएगा। अब देखो एल्कीन बनाने के लिए ये तो इस पोजीशन पे दो हाइड्रोजन होते हैं और इस पोजीशन पे भी दो हाइड्रोजन। रूल ये कहता है कि उस कार्बन से हाइड्रोजन को लेगा जिस कार्बन के पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। अब दोनों के पास क्या है, इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अब देखिए दूसरा क्या काम करेगा, यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो यहाँ पे डेंसिटी कम करेगा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, ये HBr निकलेगा, उधर वाला नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो आपका जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं ऑक्सीजन पे, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यानी कि ऑक्सीजन के नेक्स्ट पे डबल बॉन्ड। देखो ये आंसर हो नहीं सकता, फर्स्ट आंसर हो नहीं सकता क्योंकि OH प्रेजेंट है, सेकंड भी नहीं हो सकता। थर्ड की बात करें, थर्ड में देखो नेक्स्ट पोजिशन पे एक छोड़ के डबल बॉन्ड चाहिए, मगर इसमें नेक्स्ट छोड़ के डबल बॉन्ड नहीं है, तो आपका आंसर कौन सा है, डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन, आपको क्या करना है, स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन दिस। अब देखो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट देख लीजिए, जो जो ग्रुप दे रखा है, NO दे रखा है, इसमें NO2 है, इसमें N2O3 है, N2O है, यही चार ग्रुप दे रखे हैं। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +2, यहाँ पे कितना हो जाएगा +4, यहाँ पे कितना होगा +3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा +1। तो अब सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है, 4 की है, तो सबसे बड़ा कौन है, NO2, फिर उससे किसके है, N2O3, फिर किसकी है, NO, और सबसे कम किसकी है, N2O। तो N2O से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये तो पहले के तो हो नहीं सकते हैं, ना तो ये हो सकता है और ना ये हो सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है, N2O, N2O, NO2, NO2। अब देखो N2O3 और NO में किसका, N2O3 का ज्यादा है, ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, NO2, N2O3, तो आपका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और बहुत जगह पूछा गया है, मैग्नीशियम पाउडर बर्न इन एयर। अब बच्चे क्या करते हैं, हर कोई क्या करता है, मैग्नीशियम बर्न इन एयर, तो O2, दे विल राइट द आंसर MgO, और सीधे से टिक मार देंगे पहला वाला। बट हियर यू लिसन, सी द प्रॉपर्टी, इट रिएक्ट विद द एयर इन आवर एनवायरमेंट। एयर मींस इट नाइट्रोजन इज ऑल्सो प्रेजेंट, एनवायरमेंट में हमारे सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन होती है, तो नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, तो व्हाट इट विल फॉर्म। अब देखो मैग्नीशियम की बैलेंसी कितनी, 2, N की बैलेंसी कितनी, 3, तो क्या बना जाएगा, Mg3N2। तो ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट इसमें फॉर्म करेंगे, कौन कौन से, MgO भी बनाएगा, Mg3N2 भी बनाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल नॉट कोऑर्डिनेटेड टू कॉपर आयन डायरेक्टली। अब देखिए क्या कर है कि CuSO4.5H2O है, इसे हम जनरली क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रॉल कहते हैं, ब्लू विट्रॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रॉल। अब ये पूछ रहा है कि, अब ये कह रहा है कि नॉट कोऑर्डिनेटेड, अब देखिए कॉपर के साथ जब भी H2O बनाएगा तो क्या बनाएगा, CuH2O4, और कितना पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव चार्ज। अब टोटल वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, 5, तो चार ने क्या किया, H2O4 तो बना दिया। अब एक H2O मॉलिक्यूल जो बना वो किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, SO4 2 नेगेटिव के साथ, तो कैसे कंबाइन होगा, ये वाला S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O SO4 2 नेगेटिव और O H2O H एंड H ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, इनके बीच ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा कनेक्ट होते हैं। तो आप कितने मॉलिक्यूल जब पूछेगा तो कितने मॉलिक्यूल वाटर कंबाइन होते हैं, 4 मॉलिक्यूल, टोटल कितने होते, 5, तो नॉट कंबाइन कितने हो गए, 1,
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वन मॉलिक्यूल, नॉट कंबाइंड पूछ रहा है, नॉट कोऑर्डिनेटेड टू कॉपर, तो नॉट कोऑर्डिनेटेड टू कॉपर कितने हो रहे हैं, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। प्लीज सी द क्वेश्चन, ओके, पूछता है कि कितने कोऑर्डिनेटेड होंगे, तो कितना आता, चार आंसर आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेसिव रिलीज ऑफ CO2 इनटू अ एटमॉस्फेयर रिजल्ट क्या होता है। ठीक है, सबको पता है कि इससे क्या होती है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन तो होता नहीं है, इससे क्या होता है, ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है, सबको आता है कि इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका, ग्लोबल वार्मिंग होगा, आपको जब ये पता है। बट यहाँ पे एक चीज और देखिए, यहाँ पे एक टर्म्स दे रखा है कि पोलर वर्टेक्स, पोलर वर्टेक्स। अब इस पोलर वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लार्ज एरिया ऑफ लो प्रेशर एंड कोल्ड एयर सराउंडिंग बोथ ऑफ द अर्थ पोल, ऑफ द अर्थ पोल। प्लीज रिमेंबर, यहां पे होता क्या है, वीकनेस इन, वीकनेस होती है इन समर में। दूसरी बात यहां पे याद रखना, काउंटर क्लॉकवाइज फ्लो ऑफ एयर होता है। आंसर तो सबको पता है, बट एक एक्सप्लेनेशन था, वो कौन सा, पोलर वर्टेक्स का। चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये भी सिंपल एक लॉजिकल क्वेश्चन है, बस इसको आपको याद रखना है कि जो एलोट्रोप्स कार्बन 60 होता है उसमें कितने कार्बन कंटेंट्स, इसमें क्या होते हैं, हमेशा याद रखिएगा कि इसमें 12 पेंटागन होते हैं और 20 क्या होते हैं, हेक्सागन होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अमंग ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल स्टेबलाइज एनाइज द फॉर्मेशन। अब देखो कह रहा है कि एक C2 है और ये एनाइन बना दे, C2 पे एक नेगेटिव बना दे, एक O2 है और O2 पे एक नेगेटिव आ जाए, एक NO है इस पे क्या आ जाए, एनाइन बना दे, एक F2 है और एक एनाइन बना दे, बोले कि कौन सा स्टेबलाइज होगा। अब देखो स्टेबिलिटी के लिए आपको सिंपली एक चीज याद रखना है, बॉन्ड ऑर्डर। देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो, देखिए बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए मैं 10 बार बता दिया हूं, आप डिस्क्रिप्शन बॉन्ड में, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर, इजी मेथड, शॉर्ट ट्रिक। तो देखिए 14, 15, 16, 17, 18, 19, इधर को भी कर दीजिए 13, 12, 11। देखो 14 पे हमेशा बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, इससे इधर 0.5 कम करते जाइए, 2.5, 2, 1.5, 1 और 0.5, ठीक है ना, और इधर को क्या हो जाएगा 2.5, और ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 1.5। अब देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 दूनी 12, 12 का मतलब कितना, 2 बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2 आ गया। इसमें अब एक निगेटिव बनाएगा तो 12 एक 13 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा 2.5। इसमें देखो ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर कितना आया इसका, 2 आया, एक निगेटिव चार्ज बढ़ गया तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा 17 पे। फिर NO में देखें 8, 7, 15 इलेक्ट्रॉन पे 2.5 को बॉन्ड ऑर्डर हुआ, और यहाँ पे 8, 7, 15, 1, 16 तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। यहाँ पे F2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन। अब एक कम, एक बढ़ जाएगा तो 19, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। अब जब ये बॉन्ड ऑर्डर देखिए, जब भी हमेशा जब भी क्या कह रहा है, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड ऑर्डर, कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। देखो इस वाले में क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, तो यानी कि स्टेबिलिटी क्या हो रही है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। देखो इसमें क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है, यानी कि स्टेबिलिटी कम हो रही है, इसमें भी स्टेबिलिटी कम हो रही है और इसमें भी स्टेबिलिटी कम हो रही है, क्योंकि इन तीनों में क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है, तो एक ही में बढ़ रहा है, जब कार्बन से कार्बन एनायन बन रहा है, तो यानी कि कौन सा हो जाएगा, सी, आंसर नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, आंसर नंबर 3 इज अ करेक्ट आंसर, ओके, कम। नेक्स्ट क्या कहता है कि द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एनी कंपाउंड एक्स वाई इन अ वाटर इज 4 टाइम्स। देखिए
ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है एंड दैट ऑफ द आयनिक सॉल्यूशन ऑफ 0.01 m BaCl2 इन वाटर. एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ द गिवन आयनिक कंपाउंड इन वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ Xi इन मोल पर लीटर सॉल्यूशन क्या होगा. देखिए क्या कह रहा है कि एक कंपाउंड है इसका ये है XY, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया पाई हो गया. इक्वल टू कह रहा है कि 4 टाइम्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ BaCl2 होगा, ये कह रहे हैं. अब पहली बात याद रखना कि जब मेरा XY कंपाउंड है ये ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा X प्लस Y नेगेटिव. तो यहाँ पे टोटल कितने आयन में ब्रेक हो रहा है 2 आयन में, तो मेरा I फैक्टर कितना हो जाएगा इसके लिए 2 हो जाएगा. मान लीजिए मेरा BaCl2 है इसको आप ब्रेक करेंगे तो Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, तो टोटल आयन 2 आयन ये बन रहे हैं, 1 आयन इसका बन रहा है, तो आई कितना हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा. डिसोसिएशन में आई बढ़ता है, ठीक है. अब इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आई सी आर टी हो जाएगी, और इसका कितना हो जाएगा 4 आई सी आर टी. देखो आर टी दोनों में कॉमन कैंसिल आउट, ठीक है. अब इसके लिए आई कितना हो गया आपका 2 हो गया कंसेंट्रेशन सी, इसके लिए 4 और आई कितना हो गया BaCl2 के लिए 3 हो गया, इंटू सी कंसेंट्रेशन BaCl2 का कितना रखा है 0.01. तो आपका किसका कंसेंट्रेशन निकल जाएगा 2 × 4, 2 × 3 × 0.01, तो कितना आ जाएगा 0.06 आ जाएगा. 0.06 का मतलब क्या 6 × 10⁻², तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6 × 10⁻², आएंगे आपका ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन किलो जूल में निकालना है 298. एक रिएक्शन दे रखी ई नॉट दे रखी फेराडेज दे रखे. अब देखो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल होता है. बस सिंपल फॉर्मूला है, माइनस एन की वैल्यू देखो जेड एन से जेड एन टू पॉजिटिव और इसमें भी, तो एन कितना हो गया 2 हो गया. फेराडे की वैल्यू कितनी दे रखी है 96000 दे रखी है, और ई नॉट सेल कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस 4 × 96000 इक्वल टू माइनस 0000 × 24, 2 × 36 और 2 × 38. ये किसमें निकला केवल जूल में, नहीं जूल मोल इनवर्स में निकला. अब आपको क्या करना है किलो जूल मोल इनवर्स में करना है, तो कितना आ जाएगा माइनस 384000 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा किलो जूल मोल इनवर्स, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका सी. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एलिमेंट हैविंग द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी. अब देखिए इसमें क्या होगा कि जो एक बार अब समझ लीजिए जैसे कि सी है 20, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या हो जाएगा फर्स्ट क्या होता है आर्गन 18 होता है और लास्ट में क्या आ जाएगा 4s2. अब देखिए इसमें से एक फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कर रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी निकाला, तो इसका क्या हो जाएगा Ar 18 4s1 बचा. सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी करें आयनाइजेशन एनर्जी तो कितना आ जाएगा Ar 18 अब बचेगा. मगर इसका जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगा ना बहुत ज्यादा होगा क्योंकि ये क्या है नोबल गैस थर्ड के लिए. मगर ये पूछ रहा है सेकेंड वाला केस में, तो स्कैंडियम में भी देखो Ar 18 4s2 3d1 4s2 4s2, तो इसका भी क्या बनेगा एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 18 इसमें से अभी पॉसिबल है नहीं, इसका क्या बचेगा 3d1 4s1, इसका तो ज्यादा होगा नहीं, यहां से इजीली इलेक्ट्रॉन निकल सकता है. अब आ जाओ K के साथ, K की बात करें तो Ar 18 4s1, अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये केवल केवल क्या बन गया नोबल गैस बन गया ना, सिंपल नोबल गैस. और नोबल गैस में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना क्या होता है बहुत डिफिकल्ट होता है, तो यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी सेकंड वाले की बहुत ज्यादा. अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है टिपिकल है क्योंकि ये क्या है नोबल गैस है, और नोबल गैस में क्या होता है P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फुल्ली सिमेट्रिकल होता है और सबसे ज्यादा क्या होता है स्टेबल होते हैं, तो आपको सीधे से आप आगे को करने की जरूरत नहीं है. तो यानी कि किसका हो जाएगा सबसे सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी हो जाएगी पोटेशियम की हो जाएगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा के इज द करेक्ट आंसर, आगे को करने की जरूरत नहीं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. देखिए इस वाले क्वेश्चन को जरा ध्यान से, सब कहेंगे प्रिफ्रेंस किसको दें, सबसे पहली बात है तो हमेशा जब भी ये CH3 तो आप इसको प्रिफरेंस 1 2 3 4 नंबरिंग यहां से हुई,
तो अब नाम किसका सबसे पहले आएगा, क्लोरो के आएगा क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा है, इसका नाम क्या हो गया टू क्लोरो। वन पे क्या है मिथाइल, वन पे क्या है मिथाइल, फोर पे क्या है नाइट्रो, और पूरा सिस्टम क्या हो गया बेंजीन। तो इसका नाम क्या हो गया टू क्लोरो वन मिथाइल, आंसर नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए सिंपल, इस बेंजीन पे जब कितना भी बड़ा कार्बन चेन क्यों ना आ जाए और एल्कलाइन के एमिनोफोर और एसिड के प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिज रिएक्शन कर रहा हो, तो हमेशा ये ऑलवेज एक कार्बन यानी कि बेंजोइक एसिड बनाता है। बिल्कुल प्लीज बी रिमेम्बर, ये हमेशा क्या बनाता है, एक कार्बन वाला एसिड बना देता है बेंजोइक एसिड। ये केवल और केवल किसके साथ, एरोमेटिक के साथ बता रहा हूं। तो आपका आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा, इसमें ज्यादा कुछ है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है, द कंसिडर द वैन डेर वाल्स वॉल्स कॉन्स्टेंट ए एंड बी फॉर द फॉलोइंग गैस। अब आपको यहाँ पे वैन डेर वाल्स गैस की वैल्यूज दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है और बी की वैल्यू दे रखी है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए सिंपल सी बात है कि जब भी ये आता है, अब आपको निकालना है विच वन एक्सपेक्टेड द हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर। आपको क्या निकालना है कि इनमें से किसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। तो सिंपल, क्रिटिकल टेम्परेचर इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला 8A अपॉन 27 RP। तो यानी कि यहां से क्या मतलब समझ में आया कि TC क्रिटिकल टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A अपॉन B। तो यानी कि जिसका A अपॉन हायर द रेशियो ऑफ A अपॉन B दैट इंप्लाइज हायर क्रिटिकल टेम्परेचर, हायर क्रिटिकल टेम्परेचर। अब देखिए किसका ए अपॉन बी सबसे बड़ा होगा, देखिए इसको अपॉन में कर दीजिए, इसको अपॉन में कर रही है, इसको अपॉन में, इसको अपॉन में, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन से नीचे में, वन है, तो वन, और इसके ऊपर क्या है फाइव है, जबकि बाकी क्या है छोटे नंबर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्रिप्टॉन, Kr इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि N2+ हाइड्रोजन H2 इज अ लिमिटिंग रिएजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर। किसमें H2 क्या होगा, लिमिटिंग है। देखिए लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको क्या करना है, N2+ H2 gives to Y N S 3, हमको H2 को लिमिटिंग रिएजेंट लेके चलना है। तो आप एक एक करके इसको देखना पड़ेगा। देखिए N2 का मॉलिकुलर मास 14, 28 हो जाएगा, यानी कि 20 ग्राम रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन का एक होता है 3 × 6 ग्राम के साथ, बस बाकी मेरे को इससे कोई मतलब नहीं। यानी कि 26 ग्राम N2 रिएक्ट करता है 6 ग्राम, यानी कि आई कैन राइट कि 6 ग्राम H2 रिएक्ट इक्वल टू 28 ग्राम N2। तो 1 ग्राम H2 रिएक्ट करेगा किसके साथ, 28 अपॉन 6 ग्राम N2 के साथ। अब आ जाओ क्वेश्चन में एक एक करके, पहले में क्या है 4 ग्राम के लिए मेरे को कितनी जरूरत है, फॉर फर्स्ट वन 4 ग्राम हाइड्रोजन, जब क्या है 4 ग्राम H2 रिएक्ट इक्वल टू 28 अपॉन 6 इंटू 4, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 28 × 2 = 56, 3 × 3 = 3, 3 × 5 = 15। यानी कि मेरे को कितना नाइट्रोजन चाहिए, 15 पॉइंट समथिंग चाहिए, मगर फर्स्ट में मेरे पास है कितना 14 है, तो यानी कि नाइट्रोजन लिमिटिंग है, N2 इज इन लिमिटिंग लिमिटिंग। सेकेंड वाली बात करते हैं, 28 6 28 6, नो वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, नो लिमिटिंग रिएजेंट, बोथ आर इक्वल, नो लिमिटिंग रिएजेंट, क्यों, टोटली कम, क्योंकि 28 ग्राम के लिए कितना ग्राम चाहिए, 6 ग्राम चाहिए। अब ये थर्ड ऑप्शन 10 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 10 ग्राम H2 रिएक्ट कितना आ जाएगा 10 ग्राम, 1 ग्राम इतने के साथ, तो 28 अपॉन 6 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 6 × 24 0.40, 36 इंटू 10, मेरे को कितना चाहिए 46.6 ग्राम N2 चाहिए, बट मेरे पास N2 है कितने 56 है, यानी कि 10 ग्राम के लिए मेरे को 46 चाहिए, मगर है कितने 56, यानी कि ये ज्यादा है, तो यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन टोटली कंज्यूम हो रहा है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी, इन दिस वन हाइड्रोजन इज इन लिमिटिंग रेट।
लिमिटिंग का मतलब होता है जो पूरे रिएक्शन में कंज्यूम हो जाए। देखो 10 ग्राम के लिए हमको कितना चाहिए, 46 नाइट्रोजन चाहिए, मगर हमारे पास है कितना, 56, ज्यादा है। तो यानी कि मतलब हाइड्रोजन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंज्यूम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है कि फॉर द गिवन सीरीज स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन के लिए बोला है, लेट डेल्टा न्यू बार इक्वल टू वी मैक्सिमम माइनस वी मिनिमम बाय द डिफरेंस इन द मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसीज इन अ सेंटीमीटर द रेशियो ऑफ। अच्छा, आपको मैक्सिमम और मिनिमम का निकालना है और इनका क्या दे रखा है, आपको रेशियो दे रखा है। पहली बात, न्यू बार इज इक्वल टू होता क्या है, न्यू बार इज इक्वल टू होता है आर जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2² अभी हाइड्रोजन के लिए तो जेड क्या हो जाएगा, फॉर हाइड्रोजन जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, डेल्टा न्यू बार लाइमन के लिए अपॉन डेल्टा न्यू बार बारमन के लिए, ठीक है ना। अब ये जो डिफरेंसेस है ये क्या है आपका, न्यू बार ऑफ मैक्सिमम माइनस न्यू बार ऑफ मिनिमम है अपॉन सेम मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ये किसके लिए, लाइमन के लिए है, और ये किसके लिए, बाल्मर के लिए, ठीक है ना। अब यहां पे थोड़ा सा नोट करके लिखना कि जब इलेक्ट्रॉन n2 इज इक्वल टू इंफिनिटी से कहां आए, n1 इज इक्वल टू 1 आए, लाइमन सीरीज के लिए बता रहा हूं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैक्सिमम लाइमन के लिए। और सेम लाइमन के लिए ही जब n2 इज इक्वल टू 2 n1 इज इक्वल टू 1 आए तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मिनिमम होती है। सेम थिंग आप जब बाल्मर के लिए क्या हो जाएगा, n2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू बाल्मर क्या होता है, n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। और ये लाइमन के लिए बात कर रहे हैं हम, नहीं सॉरी बाल्मर के लिए, बाल्मर। और जब क्या हो जाएगा, n2 इज इक्वल टू 3, 2 इलेक्ट्रॉन जंप करेगा n1 इज इक्वल टू 2 में, तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। देखो लाइमन सीरीज जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां है, डायरेक्टली n इज इक्वल टू 1 में आ जाए, और बाल्मर सीरीज क्या होती, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए किसमें आए, 2 स्टेट में आए, तो उसे बाल्मर सीरीज कहते हैं। अब देखिए यहां पे जब इसको रेशियो करेंगे तो ये आर आर तो कट जाएगा क्योंकि दोनों में, और जेड एड इक्वल हो गया, तो हम डायरेक्ट ये निकाल सकते हैं क्या, अब मैं डायरेक्ट क्या करूंगा कि मैं रेशियो क्या हो जाएगा, डेल्टा न्यू बार लाइमन अपॉन डेल्टा न्यू बार बाल्मर इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, 1/1² माइनस 1/∞² माइनस 1/1² माइनस 1/2² अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा, 1/2² माइनस 1/∞² बाल्मर के लिए 2 हो जाएगा माइनस 1/2² माइनस 1/3². आप इसको सॉल्व कीजिए, ये 0 होता है 1/∞² तो 1 माइनस ये भी 1 हो जाएगा और ये कितने सारे हैं, 2, 1 माइनस 1 प्लस 1/4 हो गया ऊपर, ये 1/4 माइनस 1/4 माइनस प्लस 1/9, 1 कैंसिल, 1/1/4 कैंसिल, 1/4 यानी कि क्या आ जाएगा, 9/4, तो 9:4 आपका आंसर रहेगा, आंसर क्या हो जाएगा, 9:4। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्या कह रहा है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जब भी हमको क्या देखना है, टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, तो सबसे पहले जाता है याद रखना कि सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए एम इफेक्ट इसमें सबसे ज्यादा, फिर किसको देखोगे, एच, फिर क्या देखोगे, इस वाले में देखिए, ठीक है ना, फिर क्या देखोगे, प्लस आई और ग्रेटर है माइनस एम से, यहाँ पे नहीं, माइनस आई ग्रेटर है प्लस एम से, और एक होता है माइनस आई, फिर माइ इस तरीके से, ठीक है ना, माइनस एम ग्रुप, ये रिएक्टिविटी सीरीज को दिखाता है। अब आपको इसमें पहचानना है कि कौन सा कौन ग्रुप शो कर रहा है, जैसे सीएल क्या दिखाता है आपका, प्लस एम दिखाता है और माइनस आई, तो माइनस आई बड़ा है प्लस एम से,
ठीक है। दूसरा यहाँ पे OCS3 क्या दिखाता है, केवल और केवल प्लस एम शो करता है, एम ई क्या दिखाता है प्लस एच दिखाता है, सी एन क्या दिखाता है माइनस एन दिखाता है। तो सबसे ज्यादा प्लस एम यानी कि बी का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, तो बी किसी में है सबसे ज्यादा इसमें, तो यानी कि सबसे ज्यादा बी, फिर सी एच वाला, फिर ए यानी कि जिसमें आई ग्रेटर है, फिर उसके बाद सबसे कम डी जिसमें माइनस है। तो आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग द रिएक्शन। देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, पहले डी सी एल से इक्विवेलेंट, वन इक्विवेलेंट है, फिर डी आई के साथ, यानी कि क्या है सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। देखो पहला इक्वेशन किसके साथ, डी सी एल के साथ। देखो आपने पढ़ा होगा मार्कोनी का रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट एडेड विद, ये पॉजिटिव पार्ट हुआ, फिर ये नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट एडेड विद द दोज कार्बन व्हिच हैव कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यानी कि क्या जुड़ जाएगा इस पे Cl, और इस पे क्या जुड़ जाएगा आपका D, क्या बन जाएगा CH3 CCl और डबल बॉन्ड CH2। अगेन फिर किसके साथ हो रहा है, Di के साथ। अगेन फिर वही पार्ट कि ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव पार्ट एडेड विद द दोज कार्बन व्हिच हैव कंटेनिंग द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ आई जुड़ जाएगा और इधर क्या जुड़ जाएगा आपका डी बन जाएगा, सॉरी एक डी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, सी एच थ्री सी सी एल आई और सिंगल बॉन्ड सी एच डी टू। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से, सी एच थ्री सी डी तो हो नहीं सकता, सी एच थ्री सी नो, सी एच थ्री सी डी नो, सी एच थ्री सी यस आई आई Cl CHD2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एनिलीन डिसॉल्व इन अ डाइल्यूट डाइल्यूट HCl रिएक्ट विद एनिलीन, NH2 रिएक्ट विद HCl, डाइल्यूट HCl सोडियम नाइट्राइड NaNO2 जीरो डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो क्या बनाता है डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है, क्या बनाता है डाइजोनियम सॉल्ट N2 plus Cl डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है। अब क्या बोल रहा आगे को, वाज एडेड स्टेबलाइजर इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनिलीन एंड फिनोल। अब इसमें क्या कर रहा है, फिनोल को ऐड कर रहा है, क्या ऐड कर रहा है फिनोल किसके एसिड के प्रेजेंस में। तो यहां से क्या होगा, इस पोजीशन पे क्या होती है हाइड्रोजन, यहां से क्या निकल जाएगा HCl बाहर, तो आपका क्या बनेगा कंपाउंड N डबल बॉन्ड N N2 रहेगा, ऐसी HCl निकला और ये जुड़ जाएगा इसके साथ, क्या बन जाएगा OH। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया इसमें, देखिए ये वाला, ये जो डाई होती है इसी हम बोलते हैं डाइज, ये ऑरेंज डाई होती है, ऑरेंज डाई होती है, और जब ऑरेंज डाई होती है तो यहाँ पे HCl एसिडिक मीडियम में आता है, जब यहाँ पे एनिलीन के साथ ही रिएक्शन करता है तो येल्लो डाई बनाता है, वो बेसिक मीडियम में होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपको अच्छा लगे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और ये जो टेस्ट है आज तीसरा टेस्ट था, इसी तरीके से मैं फ्राइडे तक 7 टेस्ट पूरे कंप्लीट करूंगा, उसके बाद हमारी लेक्चरर की प्रिपरेशन चलेगी और साथ साथ में नीट की भी, ये क्वेश्चन करते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।